इस्लामाबाद में साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ थाना रमना में एक मुकदमा दर्ज। मुकदमे में इदारों और पाक फौज के अफसरान के खिलाफ बयानबाजी की दफात शामिल हैं। FIR के मुताबिक निजी टीवी चैनल में इमरान खान पाक फौज के आला अफसरान के खिलाफ बयानबाजी की है। इमरान खान अपने बयान से आवाम और अफवाज में मुसलसल नफरत पैदा कर रहे हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे ज़मान मुगल से। जी ज़मान मुगल, बताइएगा, मुकदमे में इदारों और पाक फौज के अफसरों के खिलाफ बयानबाजी की दफात शामिल की गई है। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद के मकामी थाने में जो है इमरान खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, जिस मुकदमे में इदारों और पाक फौज के अफसरान के खिलाफ बयानबाजी की दफात शामिल की गई है। उसमें हवाला दिया गया है कि इमरान खान ने लाहौर जमान पार्क में तकरीर करते हुए पाक फौज के एक हसास इदारे के ब्रिगेडियर लेवल के अफसर और दीगर अफसरान के खिलाफ जो है वह हर्जा फराई की थी और कहा था कि ये मुझे रास्ते से हटाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं और ये मुझे मरवाना चाहते हैं, उसके लिए इन्होंने प्लानिंग भी की हुई है। तो उनकी इस गुफ्तगू के तनाजर में इस्लामाबाद के मुकामी थाने में ये मुकदमा दर्ज किया गया है। जी जी बहुत शुक्रिया। ज़मान मुगल हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे कि इमरान खान के खिलाफ एक और मुकदमा जो है वो दर्ज कर लिया गया। TV चैनल पर इमरान खान ने पाक फौज के आला अफसरों के खिलाफ बयानबाजी की है और मुकदमे में इदारों और पाक फौज के अफसरों के खिलाफ बयानबाजी की दफात शामिल की गई हैं।